सनातन जी कहते हैं, नारद सुनो, अब मैं तुम्हें तृतीया के व्रत बतलाता हूँ जिनका विधि पूर्वक पालन करके नारी शीघ्र सौभाग्य लाभ करती है। भ्रमण वर प्राप्ति की इच्छा रखने वाली कन्या तथा सौभाग्य पुत्र तथा पति की मंगल कामना करने वाली वाहिता नारी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को उपवास करके गौरी देवी तथा भगवान शंकर को सोने चांदी तांबे या मिट्टी की प्रतिमा बनावे और उसे गंध पुष्प दूर्वा कांड आदि आचारों तथा सुंदर वस्त्र आभूषणों से विधि पूर्वक पूजित करके सद्भाव ब्राह्मण पत्नियों अथवा सुलक्षणा ब्राह्मण कन्याओं को सिंदूर काजल और वस्त्र आभूषणों आदि से संतुष्ट करे। तदंतर उस प्रतिमा को जलाशय में विसर्जन कर दे। स्त्रियों को सौभाग्य देने वाली जैसी गौरी देवी है वैसी तीनों लोकों में दूसरी कोई शक्ति नहीं है। वैशाख मास के शुक्ल पक्षी जो तृतीया है उसे अक्षय तृतीया कहते हैं। वह त्रेतायुग की आदि तिथि है। उस दिन जो सत्कर्म किया जाता है उसे वह अक्षय बना देती है। वैशाख मास की शुक्ल पक्षी तृतीया को लक्ष्मी सहित जगतगुरु भगवान नारायण का पुष्प धूप और चंदन आदि से पूजन करना चाहिए अथवा गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ऐसा करने वाला मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा संपूर्ण देवताओं से वंदित होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो तृतीया है वह रंभा तृतीया के नाम से प्रसिद्ध है। उस दिन सपत्नीक श्रेष्ठ ब्राह्मण की गंध पुष्प और वस्त्र आदि से विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ये व्रत धन पुत्र और धर्म विषयक शुभ कारक बुद्धि प्रदान करता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की तृतीया को सपत्नीक ब्राह्मण में लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु की भावना करके वस्त्र आभूषण भोजन और धेनु दान के द्वारा उनकी पूजा करें, फिर प्रिय वचनों से उन्हें अधिक संतुष्ट करें। इस प्रकार सौभाग्य की इच्छा से प्रेम पूर्वक इस व्रत का पालन करके नारी धन धान्य से संपन्न होकर देव देव श्री हरि के प्रसाद से विष्णु लोक प्राप्त कर लेती है। श्रावण मास के शुक्ल पक्षी तृतीया स्वर्ण गौरी व्रत का आचरण करना चाहिए। उस दिन स्त्री को चाहिए कि वह षोडश उपचारों से भवानी की पूजा करे। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को सौभाग्यवती स्त्री विधिपूर्वक पाद्य अर्ध आदि के द्वारा भक्ति भाव से पूजा करती हुई हरि तालिका व्रत का पालन करे। सोने चांदी तांबे बांस अथवा मिट्टी के पात्र में दक्षिणा सहित पकवान रखकर फल और वस्त्र के साथ ब्राह्मण को दान दे। इस प्रकार व्रत का पालन करने वाली नारी मनोरम भोगों का उपभोग करके इस व्रत के प्रभाव से गौरी देवी के सहचरी होती है। अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को बृहद गौरी व्रत का आचरण करें। इससे संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को विष्णु गौरी व्रत का आचरण करें। उसे भांति भांति के उपचारों से जगत वंद्या लक्ष्मी जी की पूजा करके सुवासिनी स्त्री का मंगल द्रव्यों से पूजन करने के पश्चात उसे भोजन करावें और प्रणाम करके विदा करें। मार्गशीर्ष शुक्ला तृतीया को मंगल में हर गौरी व्रत करके पूर्वोक्त विधि से जगदम्बा का पूजन करें। इस व्रत के प्रभाव से स्त्री मनोरम भोगा का भोग करके देवी लोक में जाती है और गौरी के साथ आनंद का अनुभव करती है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ब्रह्म गौरी व्रत का आचरण करें। इसमें भी पूर्वोक्त विधि से पूजन करके नारी ब्रह्म गौरी के प्रसाद से उसके लोक में जाकर आनंद भोगती है। माघ मास के शुक्ल पक्षी तृतीया को व्रत रखकर पूर्वोक्त विधि से सौभाग्य सुंदरी को पूजा करनी चाहिए और उसके लिए नारियल के साथ अर्घ देना चाहिए। इससे प्रसन्न होकर व्रत से संतुष्ट हुई देवी अपना लोक प्रदान करती है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष में कुल सौख्यदया तृतीया का व्रत होता है। इसमें गंध पुष्प आदि के द्वारा पूजित होने पर देवी सबके लिए मंगलदायिनी होती है। संपूर्ण तृतीया व्रतों में देवी पूजा ब्राह्मण पूजा दान होम और विसर्जन ये साधारण विधि है। इस प्रकार तुम्हें तृतीया के व्रत बताए गए जो भक्ति पूर्वक पालित होने पर मन के अभिष्ट वस्तु देते हैं। सनातन जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, अब मैं तुम्हें चतुर्थी के व्रत बतलाता हूँ जिनका पालन करके स्त्री और पुरुष मनवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं। चैत्र मास की चतुर्थी को वासुदेव स्वरूप
गणेश जी की भली भांति पूजा करके ब्राह्मण को स्वर्ण दक्षिणा देने से मनुष्य संपूर्ण देवताओं का वंदनीय होकर भगवान विष्णु के लोक में जाता है। वैशाख की चतुर्थी को संकर्षण गणेश जी की पूजा करके विधिज्ञ पुरुष ग्रस्त ब्राह्मणों को शंख दान करे तो वह संकर्षण लोक में जाकर अनेक कल्पों तक आनंद का अनुभव करता है। ज्येष्ठ मास की चतुर्थी को पद्मन रूपी गणेश का पूजन करके ब्राह्मण समूह को फल मूल का दान करने से मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त कर लेता है। आषाढ़ की चतुर्थी को अनिरुद्ध स्वरूप गणेश जी की पूजा करके सन्यासियों को तुम्बी का पात्र दान करने से मनुष्य मनवांछित फल पाता है। ज्येष्ठ मास की चतुर्थी को एक दूसरा परम उत्तम व्रत होता है जिसे सती व्रत कहते हैं। इस व्रत का पालन करके स्त्री गणेश माता पार्वती के लोक में जाकर उन्हीं के समान आनंद की भागनी होती है। इस प्रकार आषाढ़ की चतुर्थी को एक दूसरा कल्याणकारी व्रत होता है क्योंकि वह तिथि रथंतर कल्प का प्रथम दिन है। उस दिन मनुष्य श्रद्धापूत हृदय से विधि पूर्वक गणेश जी की पूजा करके देवताओं के लिए दुर्लभ फल भी प्राप्त कर लेता है। श्रावण की चतुर्थी को चंद्र उदय होने पर विधिज्ञों में श्रेष्ठ विद्वान गणेश जी को अर्घ प्रदान करें। उस समय गणेश जी के स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। ध्यान के पश्चात आवाहन आदि संपूर्ण उपचारों से उनकी पूजा करें। फिर लड्डू का नैवेद्य अर्पण करें जो गणेश जी के लिए प्रीतिदायक है। इस प्रकार व्रत पूरा करके स्वयं भी प्रसाद रूप लड्डू खाए तथा रात में गणेश जी का पूजन करके भूमि पर ही सुखपूर्वक सोए। इस व्रत के प्रभाव से वह लोक में मनवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है और परलोक में भी गणेश जी का पद पाता है। तीनों लोकों में इसके पश्चात इसके समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। तदंतर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को बहुला गणेश का गंध पुष्प माला और घास आदि के द्वारा यत्न पूर्वक पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात परिक्रमा करके सामर्थ्य हो तो दान करें। दान की शक्ति ना हो तो इस बहुला गौ को नमस्कार करके विसर्जन करें। इस प्रकार 5, 10 या 16 वर्षों तक इस व्रत का पालन करके उद्यापन करें। उस समय दूध देने वाली गौ का दान करना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मनोरम भोगों का उपभोग करके देवताओं द्वारा सत्कृत होकर गोलोक धाम में जाता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को सिद्धि विनायक व्रत का पालन करें। इसमें आवाहन आदि समस्त उपचारों द्वारा गणेश जी का पूजन करना चाहिए। पहले एकाग्रचित होकर सिद्धि विनायक का ध्यान करें। उनके एक दांत है कान सूप के समान जान पड़ता है। उनका मुख हाथी के मुख के समान है। वे चार भुजाओं से शोभित है। उन्होंने हाथ में पाश और अंकुश धारण कर रखे हैं। उनकी अंकाति तपाई हुए स्वर्ण के समान दीप्यमान है। उनके 21 नाम लेकर उन्हें भक्तिपूर्वक के 21 पत्ते समर्पित करें। अब तुम उन नामों को श्रवण करो। समुखाय नमा केकर शमीपत्र गणा अधिशाय नमा से भंगरैया का पत्ता उमापुत्राय नमा से बिलपत्र गज मुखाय नमा से दुर्वादल लंबोद्राय नमा से बेर का पत्ता हर सुनवे नमा से धतूर का पत्ता शूर करनाय नमा से तुलसी दल वक्रतुंडाय नमा से सेम का पत्ता गुहा अग्रजाय नमा से अपामर का पत्ता एक दंताय नमा से बन भंटा का या भटकैया का पत्ता हैरम्बाय नमा से सिंदूर वृक्ष का पत्ता चतुर्होत्रे नमा से तेजपात और सर्वेश्वराय नमा से अगस्त का पत्ता चढ़ावें। ये सब गणेश जी की प्रसन्नता को बढ़ाने वाले हैं। तत्पश्चात दो दुर्वा दर लेकर गंध पुष्प और अक्षत के साथ गणेश जी पर चढ़ावें। इस प्रकार पूजा करके भक्ति भाव से नैवेद्य रूप में 5 लड्डू निवेदन करें। फिर आचमन कराकर नमस्कार और प्रार्थना करके देवताओं का विसर्जन करें। सब मुनि सब सामग्रियों सहित गणेश जी की स्वर्ण में प्रतिमा आचार्य को समर्पित करें और ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। नारद इस प्रकार 5 वर्षों तक भक्तिपूर्वक गणेश जी की पूजा और उपासना करने वाला पुरुष इस लोक और परलोक के शुभ भोगों को प्राप्त कर लेता है। इस चतुर्थी की रात में कभी चंद्रमा की ओर नहीं देखे। जो देखता है उसे झूठा कलंक प्राप्त होता है। इसमें संशय नहीं है। यदि चंद्रमा दिख जाए तो उस दोष की शांति के लिए पौराणिक मंत्र का पाठ करें। सिंह पर सेनम अधीत सिंगो जामवता हता सुकुमारक मा रोदिस्तव हरेउ श्यमंतक।
अर्थात सिंह ने परसैन को मारा और सिंह को जामवान ने मारा। सुकुमार बालक तू रो मत, ये समंतक अब तेरा ही है। तो अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को पुरुष सूक्त द्वारा षोडशोपचार से कपरदीश विनायक की पूजा करें। कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को करका चतुर्थी करवा चौथ का व्रत बताया गया है। इस व्रत में केवल स्त्रियों का ही अधिकार है, इसलिए इसका विधान बताया है। स्त्री स्नान करके वस्त्र भूषणों से विभूषित होकर गणेश की पूजा करें। उनके आगे पकवान से भरे हुए 10 करवे रखें और भक्ति से पवित्र चित्त होकर उन्हें देव देव गणेश जी को समर्पित करें। समर्पण के समय ये कहना चाहिए कि भगवान करपादी गणेश मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात सुवासिनी स्त्रियां और ब्राह्मणों को इच्छा अनुसार आदर पूर्वक उन्हें कर्मों को बांट दे। इसके बाद रात में चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को विधि पूर्वक कर देवव्रत की मूर्ति के लिए स्वयं में मिष्टान भोजन करे। इस व्रत को 16 या 12 वर्षों तक करके नारी इसका अध्यापन करे। इसके बाद इसे छोड़ दे, अथवा स्त्री को चाहिए कि सौभाग्य की इच्छा से वह जीवन भर इस व्रत को करती रहे, क्योंकि स्त्रियों के लिए इस व्रत के लिए सौभाग्यदायक व्रत तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं है। मार्गशीर्ष शुक्ला चतुर्थी से लेकर एक वर्ष तक का समय प्रत्येक चतुर्थी को एक भुक्त एक समय भोजन करके बितावे और द्वितीय वर्ष उक्त तिथि को केवल रात में एक बार भोजन करके व्यतीत करें। तृतीय वर्ष में प्रत्येक चतुर्थी को आयाचित बिना मांगे मिले हुए अन्न एक बार खाकर रहे और चौथा वर्ष तिथि को उपवास पूर्वक रहकर बितावे। इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत का पालन करते हुए क्रमशः 4 वर्ष पूरे करके अंत में व्रत स्नान करे। उस समय महाव्रती मानव सोने की गणेश मूर्ति बनावे, यदि समर्थ हो तो वर्णक हल्दी चूर्ण द्वारा ही गणेश प्रतिमा बना ले। तदंतर विविध रंगों से धरती पर सुंदर दलों सहित कमल अंकित करके उसके ऊपर कलश स्थापित करें। कलश के ऊपर तांबे का पात्र रखे, उस पात्र को सफ़ेद चावल से भर दे। चावल के ऊपर युगल वत्स से आच्छादित गणेश जी को विराजमान करें। तदंतर गंध आदि सामग्रियों द्वारा उनकी पूजा करें। फिर गणेश जी प्रसन्न हों इस उद्देश्य से लड्डू का नैवेद्य अर्पण करें। रात में गीत वाद्य और पुराण कथा आदि के द्वारा जागरण करें। फिर निर्मल प्रभात होने पर स्नान करके तिल चावल जौ पीली सरसों घी और खांड मिली हवन सामग्री से विधि पूर्वक होम करें। गण गण अधिवा कुष्मांड पुराति प्रांतक लंबोदर एकदंत रुक्म द्रष्ट विघ्रप ब्रह्मा यम वरुण सोम सूर्य हुताशन गंधमाधि तथा परमेष्टि इन 16 नामों द्वारा प्रत्येक के आदि में प्रणव और अंत में चतुर्थी विभक्ति और नमः पद लगाकर अग्नि में एक एक आहुति दे। इसके बाद वक्रतुंडाय हूँ इस मंत्र के द्वारा 108 आहुतियाँ दे। तत्पश्चात वे आहुतियों द्वारा यथाशक्ति हूँ करके पूर्ण आहुति दे। दिक्पालों का पूजन करके 24 ब्राह्मणों को लड्डू और खीर भोजन करावे। इसके बाद आचार्य को दक्षिणा से ही सवस्सा गऊ का दान करे एवं दूसरे ब्राह्मणों को यथाशक्ति भूसी दक्षिणा दे। फिर प्रणाम और परिक्रमा करके इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को विदा करने के पश्चात स्वयं भी प्रसन्नचित्त होकर भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। मनुष्य इस व्रत का पालन करके गणेश जी के प्रसाद से इस लोक में उत्तम भोग भोगता है, पर लोक में भगवान विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। कुछ लोग इसका नाम वर व्रत कहते हैं। इसका विधान भी यही है कि फल भी उसके समान ही है। पौष मास की चतुर्थी को भक्तिपूर्वक विघ्नेश्वर गणेश जी की प्रार्थना करके एक ब्राह्मण को लड्डू भोजन करावे और दक्षिणा दे। ऐसा करने से व्रती पुरुष धन संपत्ति का भागी होता है। माघ मास की कृष्णा चतुर्थी को संकट व्रत बताया जाता है। उसमें उपवास का संकल्प लेकर व्रती पुरुष सवेरे से चंद्रोदय काल तक नियम पूर्वक रहे, मन को काबू में रखे। चंद्रोदय होने पर मिट्टी की गणेश मूर्ति बनाकर उसे पीढ़े पर स्थापित करे। गणेश जी के साथ उनके आयुध और वाहन भी होने चाहिए। मूर्ति में गणेश जी की स्थापना करके षोडशोपचार से विधि पूर्वक उनका पूजन करें। फिर मोदक तथा गुड़ में बने हुए तिल के लड्डू का नैवेद्य अर्पण करें। तत्पश्चात तांबे के पात्र में लाल चंदन कुश तुरवा फूल अक्षत शमी पत्र दधि और जल एकत्र करके चंद्रमा को अर्ध दे। उस समय इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करना चाहिए कि हे गगन रूपी समुद्र के मालिक के चंद्रमा, दक्ष कन्या रोहिणी के प्रीतम, गणेश जी के प्रतिबिंब, आप मेरा दिया हुआ अर्ध स्वीकार करें।
इस प्रकार गणेश जी को ये दिव्य तथा पाप नाशक अर्घ देकर यथाशक्ति उत्तम ब्राह्मणों को भोजन करनाने के पश्चात स्वयं भी उनकी आज्ञा लेकर भोजन करे। इस प्रकार कल्याणकारी संकट व्रत का पालन करके मनुष्य धन धान्य से संपन्न होता है, वह कभी कष्ट में नहीं पड़ता। माघ शुक्ला चतुर्थी को परम उत्तम गौरी व्रत किया जाता है। उस दिन योगिनी गणों सहित गौरी जी की पूजा करनी चाहिए। मनुष्यों और उनमें भी विशेषता स्त्रियों को कुंद पुष्प कुमकुम लाल सूत्र लाल फूल महावर धूप दीप बलि गुड़ अदरक दूध घी नमक और पालक आदि से गौरी जी की पूजा करनी चाहिए। अपनी सौभाग्य वृद्धि के लिए सौभाग्यवती स्त्रियां और उत्तम ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद बंधु बांधवों के साथ स्वयं भी भोजन करें। यह सौभाग्य तथा आरोग्य बढ़ाने वाला गौरी व्रत है। स्त्री और पुरुषों को भली प्रकार प्रतिवर्ष इसका पालन करना चाहिए। कुछ लोग इसे ढूंढी व्रत कहते हैं, किन्हीं किन्हीं के मत में इसका नाम कुंड व्रत है। कुछ दूसरे लोग इसे ललिता व्रत अथवा शांति व्रत भी कहते हैं। मुनि इस तिथि में किया हुआ स्नान दान जप और होम सब कुछ गणेश जी की कृपा से सदा के लिए स्वस्थ गुना हो जाता है। फागुन मास की चतुर्थी को मंगल में ढूंढी राज व्रत बताया गया है। उस दिन तिल के पीठे से ब्राह्मणों को भोजन कराकर मनुष्य स्वयं भी भोजन करे। गणेश जी की आराधना में संलग्न होकर तिलों से ही दान होम और पूजन करना पर मनुष्य गणेश जी के प्रसाद से सिद्धि प्राप्त कर लेता है। मनुष्य को चाहिए कि सोने की गणेश मूर्ति बनाकर यत्नपूर्वक उसकी पूजा करें और श्रेष्ठ ब्राह्मण को उसका दान करें। इससे समस्त संपदाओं की वृद्धि होती है। जिस किसी मास में भी चतुर्थी तिथि रविवार या मंगलवार से युक्त हो तो वह विशेष फल देने वाली होती है। शुक्ल या कृष्ण पक्ष की सभी चतुर्थी तिथियों में भक्ति प्रायण पुरुषों को देव देवेश्वर गणेश जी का ही पूजन करना चाहिए। सनातन जी कहते हैं, ब्राह्मण सुनो, अब मैं तुम्हें पंचवीं व्रत कहता हूँ जिसका भक्ति पूर्वक पालन करने पर मनुष्य संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। चैत्र के शुक्ल पक्ष की पंचवीं तिथि को मत्स्य जयंती कहते हैं। इसे भक्तों को मत्स्य अवतार विग्रह की पूजा और तत्व संबंधी महोत्सव करने चाहिए। इसे श्री पंचमी भी कहते हैं। अतः उस दिन गंध आदि उपचारों तथा खीर आदि नैवेद्यों द्वारा श्री लक्ष्मी जी का भी पूजन करना चाहिए। जो उस दिन लक्ष्मी जी की पूजा करता है उसे लक्ष्मी कभी नहीं छोड़ती। उसी दिन पृथ्वी व्रत चांद्र व्रत तथा हयग्रीव व्रत भी होता है। अतः उनकी पृथक पृथक सिद्धि चाहने वाले पुरुषों को शास्त्रोक्त विधि से उन व्रतों का पालन करना चाहिए। जो मनुष्य वैशाख मास की पंचमी को संपूर्ण नागगणों से युक्त शेष नाग की पूजा करता है वे मनवांछित फल पाता है। इसी प्रकार विद्वान पुरुष ज्येष्ठ की पंचमी तिथि को पितरों का पूजन करते हैं। उस दिन ब्राह्मण भोजन कराने से संपूर्ण कामनाओं और अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। आषाढ़ शुक्ल की पंचमी को सर्वव्यापी वायु की परीक्षा की जाती है। गांव से बाहर निकलकर धरती पर खड़ा रहें और वहां एक बांस खड़ा करें। बांस के डंडे के अग्रभाग में पंचांगी पताका लगा लें। तदंतर बांस के मूल भाग में सब दिशाओं की ओर लोकपालों की स्थापना एवं पूजा करके वायु की परीक्षा करें। प्रथम आदि प्रहरों में जिस जिस दिशा की ओर से वायु चलती है उसी उसी दिक्पाल या लोकपाल की भली भांति पूजा करें। इस प्रकार चार पहर तक वह निराहार रहकर सायंकाल तक अपने घर आवें और थोड़ा भोजन करके एकाग्रचित होकर लोकपालों को नमस्कार करके पवित्र भूमि पर सो जाएं। उस दिन रात के चौथे पहर में जो स्वप्न होता है वह निश्चय ही सत्य होता है। ये भगवान शिव का कथन है। यदि अशुभ स्वप्न हो तो भगवान शिव की पूजा में तत्पर होकर उपवास पूर्वक आठ पहर बितावें। फिर आठ ब्राह्मणों को भोजन कराकर मनुष्य शुभ फल का भागी होता है। ये शुभ अशुभ निर्दर्शन व्रत कहा गया है जो मनुष्यों के इस लोक और परलोक में भी सौभाग्यजनक होता है। सावन मास के कृष्ण पक्षीय चतुर्थी को जब थोड़ा दिन शेष रहे तो कच्चा अन्न जितना दान देना हो पृथक पृथक पात्रों में रखकर विद्वान पुरुष उन पात्रों में जल भर दे। तदंतर वह सब जल निकाल दे। फिर दूसरे दिन सवेरे सूर्योदय होने पर विधिवत स्नान करके देवताओं ऋषियों तथा पितरों का भलीभांति पूजन करे। उनके आगे नैवेद्य स्थापित करो और वह पहले दिन का
धोया हुआ कच्चा अन्न प्रसन्नता पूर्वक याचकों को देवे। तत्पश्चात प्रदोष काल में शिव मंदिर में जाकर लिंग स्वरूप भगवान शिव का गंध पुष्प आदि सामग्रियों के द्वारा सम्यक पूजन करें। फिर सहस्त्र या 100 बार पंचाक्षरी विद्या नमः शिवाय का जप करें, तदंतर उसका स्तवन करें। फिर सदा अन्न की सिद्धि के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करें। इसके बाद अपने घर आकर ब्राह्मण आदि को पकवान देकर स्वयं भी मौन भाव से भोजन करें। यह अन्न व्रत है, मनुष्यों द्वारा विधि पूर्वक इसका पालन होने पर यह संपूर्ण अन्न संपत्तियों का उत्पादक और परलोक में सदगति देने वाला होता है। सावन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन आस्तिक मनुष्यों को चाहिए कि वे अपने दरवाजे के दोनों ओर गोबर से सर्पों की आकृति बनावे और गंध पुष्प आदि से उनकी पूजा करें। तत्पश्चात इंद्राणी देवी की पूजा करें। सोने चांदी दही अक्षत कुश जल गंध पुष्प धूप दीप और नैवेद्य आदि से उन सब की पूजा करके परिक्रमा करें और उस द्रव्य को प्रणाम करके भक्तिभाव से प्रार्थना पूर्वक श्रेष्ठ ब्राह्मणों को समर्पित करें। इस प्रकार भक्तिभाव से द्रव्य दान करने वाले पुरुष पर स्वर्ण आदि समृद्धियों के दाता धन अध्यक्ष कुबेर प्रसन्न होते हैं। फिर भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन कराने के पश्चात स्वयं भी स्त्री पुत्र और सगे संबंधियों के साथ भोजन करें। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी को दूध से नागों को तृप्त करें। जो ऐसा करता है उसकी 7 पीढ़ियों तक के लोग सांप से निर्भय हो जाते हैं। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को श्रेष्ठ ऋषियों की पूजा करनी चाहिए। प्रातःकाल नदी आदि के तट पर जाकर सदा आलस्य रहित होकर स्नान करें। फिर घर आकर यत्न पूर्वक मिट्टी की वेदी बनावें, उसे गोबर से लीपकर पुष्पों से शोभित करें। इसके बाद कुशा बिछाकर उसके ऊपर गंध नाना प्रकार के पुष्प धूप और सुंदर दीप आदि से के द्वारा 7 ऋषियों का पूजन करें। कश्यप पत्री भरद्वाज विश्वामित्र गौतम जमदग्नि और वशिष्ठ ये 7 ऋषि माने गए हैं। इनके लिए विधिवत अर्ध तैयार करके अर्धदान दे। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि उसके लिए बिना जोते बोए उत्पन्न हुए सामा के चावल आदि से नैवेद्य तैयार करे। वह नैवेद्य उन्हें अर्पण करके उन ऋषियों का विसर्जन करने के पश्चात स्वयं भी वही प्रसाद रूप अन्न भोजन करे। इस व्रत का पालन करके मनुष्य मनवांछित फल भोगता है और 7 ऋषियों के प्रसाद से श्रेष्ठ विमान पर बैठकर दिव्य लोक में जाता है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को उपांग ललिता व्रत होता है। यथाशक्ति ललिता जी की सर में मूर्ति बनाकर छोटे उपचार से उनकी विधिवत पूजा करें। व्रत की पूर्ति के लिए श्रेष्ठ ब्राह्मण को पकवान फल घी और दक्षिणा दान करें। तत्पश्चात प्रार्थना करके इस प्रकार विसर्जन करें। मैंने वाहन और शक्तियों से युक्त वरदायिनी ललिता देवी का पूजन किया है। माँ तुम मुझ पर अनुग्रह करके अपने मंदिर को पधारो। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को सब पापों का नाश करने के लिए श्रद्धापूर्वक परम उत्तम ज्या व्रत करना चाहिए। एकाग्रचित होकर विधि पूर्वक छोटे उपचार से ज्या देवी की पूजा करके पुत्र तथा वस्त्र आभूषण से अलंकृत होकर एक ब्राह्मण को भोजन करावे और दक्षिणा देकर उसे विदा करे। तत्पश्चात स्वयं मौन होकर भोजन करे। जब भक्तिपूर्वक ज्या के दिन स्नान करता है उसके सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अश्वमेघ यज्ञ के अंत में स्नान करने से जो फल बताया गया है वही ज्या के दिन भी स्नान करने से प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष शुक्ला पंचमी को विधि पूर्वक नागों की पूजा करके मनुष्य उनसे अभय पाकर बंधु बांधवों के साथ प्रसन्न रहता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान मधुसूदन की पूजा करके मनुष्य मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार माघ और फागुन के लिए समझना चाहिए। प्रत्येक मास के शुक्ल और कृष्ण पक्ष में भी पंचमी को पितरों और नागों की पूजा श्रद्धा उत्तम मानी गई है। सनातन जी कहते हैं, विप्रवार सुनो, अब मैं तुम्हें षष्ठी के व्रतों का वर्णन करता हूँ जिसका यथार्थ रूप से अनुष्ठान करके मनुष्य यहाँ संपूर्ण नौर्थों को पूर्ण कर लेता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को परम उत्तम कुमार व्रत का विधान कहा गया है। उसमें नाना प्रकार की पूजा विधि से भगवान षडानंद की आराधना करके मनुष्य सर्वगुण संपन्न एवं चिरंजीवी पुत्र प्राप्त कर लेता है। वैशाख शुक्ल के षष्ठी को कार्तिकेय की पूजा करके मनुष्य मात्र सुख लाभ करता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को विधि पूर्वक सूर्य देव की पूजा करके उनकी कृपा से मनुष्य मनवांछित भोग पाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को परम उत्तम
स्कंद व्रत करना चाहिए। उस दिन उपवास करके शिव तथा पार्वती के प्रिय पुत्र स्कंद जी की पूजा करने से मनुष्य पुत्र पुत्र आदि संतानों और मनोवांछित भोगों को प्राप्त कर लेता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उत्तम भक्ति भाव से युक्त होकर षोडशोपचार द्वारा शर जन्मा भगवान स्कंद की आराधना करनी चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष षडानन की कृपा से अभीष्ट मनोरथ प्राप्त कर लेता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को ललिता व्रत बताया गया है। उस दिन नारी विधिपूर्वक प्रातःकाल स्नान करके श्वेत वस्त्र धारण करके श्वेत माला से अलंकृत होकर नंदी संगम की पालुका लेकर उसके पिंड बनाकर बांस के पात्र में रखे। इस प्रकार 5 पिंड रखकर उनमें वन विलासनी ललिता देवी का ध्यान करें। फिर कमल कनेर वन मल्लिका मालती नील कमल केतकी और तगर का संग्रह करके इनमें से एक एक के 108 या 28 फूल ग्रहण करें। उन फूलों की अक्षत कलिकाएं ग्रहण करके उन्हीं से देवी की पूजा करनी चाहिए। पूजन के पश्चात सामने खड़े होकर उन शिवप्रिया ललिता देवी की इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। गंगा द्वारे कुशावृते बिल्व के नील परते स्नात्वा कनखले देवी हरम लब्धवती पतितम पतिम ललिते सुभगे देवी सुख सौभाग्यदायिनी अनंतम देहि सौभाग्यम महम तुभ्यम नमो नमः। अर्थात देवी, आपने गंगा द्वार कुशाव्रत बिल्वक नील पर्वत तथा कनकल तीर्थ में स्नान करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली सुंदरी ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अक्षय सौभाग्य प्रदान कीजिए। इस मंत्र से चंपा के सुंदर फूलों द्वारा ललिता देवी की विधि पूर्वक पूजा करके उनके आगे नैवेद्य रखे। खीर खीरा ककड़ी कुमड़ा नारियल अनार पिजोरा नींबू तुंडीर कारवेल और निर्भट आदि सामिक फलों से देवी के आगे शोभा करके चढ़े बड़े हुए धान के अंकुर दीपों की पंक्ति अगरु धूप सुहालक करंजक कोड़ पुष्प करणवेष्ट मोदक उपमोदक तथा अपने वैभव के अनुसार अनेक प्रकार के नैवेद्य आदि द्वारा विधिवत पूजा करके रात में जागरण कर उत्सव मनावे। इस प्रकार जागरण करके सप्तमी को सवेरे ललिता जी को नदी के तट पर ले जाएं। वहां गंध पुष्प से गाजे बाजे के साथ पूजा करके वह नैवेद्य आदि सामग्री श्रेष्ठ ब्राह्मण को दे दें। फिर स्नान करके घर आकर अग्नि में होम करें। देवताओं पितरों और मनुष्यों का पूजन करके सुवासिनी स्त्रियों कन्याओं तथा 15 ब्राह्मणों को भोजन करावें। भोजन के पश्चात बहुत सा दान देकर उन सबको विदा करें। अनेकानेक पर्वत तपस्या दान और नियम से जो फल प्राप्त होता है वह इसी व्रत से यहीं उपलब्ध हो जाता है। तदंतर नारी मृत्यु के पश्चात सनातन शिव धाम में पहुंचकर ललिता देवी के साथ उनकी सखी होकर चिरकाल तक आनंद भोगती है और पुरुष भगवान शिव के समीप रहकर सुखी होता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो षष्ठी आती है उसे चंदन षष्ठी कहते हैं। उस दिन देवी की पूजा करके मनुष्य देवी लोक को प्राप्त कर लेता है। यदि यह षष्ठी रोहिणी नक्षत्र व्यतिपात योग और मंगलवार से युक्त हो तो उसका नाम कपिला षष्ठी होती है। कपिला षष्ठी के दिन व्रत एवं नियम में तत्पर होकर सूर्यदेव की पूजा करके मनुष्य भगवान भास्कर के प्रसाद से मनवांछित कामनाओं को पा लेता है। देव विप्रवर उस दिन किया हुआ अन्नदान होम जप तथा देवताओं ऋषियों और पितरों का तर्पण आदि सब कुछ अक्षय जानना चाहिए। कपिला षष्ठी को भगवान सूर्य की प्रसन्नता के लिए वस्त्र माला और चंदन आदि से दूध देने वाले कपिला गाय की पूजा करके उसे वैदज्ञ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। अश्विनी शुक्ल पक्षी षष्ठी को गंध आदि मांगलिक द्रव्य और नाना प्रकार के नैवेद्यों से कात्यायनी देवी की पूजा करनी चाहिए। पूजा के पश्चात देवी श्री कात्यायनी देवी से क्षमा प्रार्थना और उन्हें प्रणाम करके उनका विसर्जन करें। यहाँ बालू की मूर्ति में कात्यायनी की प्रतिष्ठा करके उनकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करके कात्यायनी देवी की कृपा से कन्या मन के अनुरूप वर पाती है और विवाहिता नारी मनवांछित पुत्र प्राप्त करती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की षष्ठी को महात्मा षडानन ने संपूर्ण देवताओं द्वारा दी हुई महाभागा देव सेना को प्राप्त किया था। अतः इस तिथि को संपूर्ण मनोहर उपचारों द्वारा सुर श्रेष्ठा देव सेना और षडानन कार्तिकेय की बलि भांति पूजा करके
मनुष्य अपने मन के अनुकूल अनुपम सिद्धि प्राप्त कर लेता है। उस तिथि को अग्नि पूजा बताई गई है। पहले अग्निदेव की पूजा करके नाना प्रकार के द्रव्यों से होम करना चाहिए। मार्ग शिष्य मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को गंध पुष्प पक्षत फल वस्त्र आभूषण तथा भांति भांति के नैवेद्यों द्वारा स्कंद का पूजन करना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ, यदि वह षष्ठी रविवार तथा सत विषय नक्षत्र से युक्त हो तो उसे चंपा षष्ठी कहते हैं। उस दिन सुख जाने वाले पुरुष को पाप नाशक भगवान विश्वेश्वर का दर्शन पूजन ज्ञान और स्मरण करना चाहिए। उस दिन किया हुआ स्नान दान आदि सब शुभ कर्म अक्षय होते हैं। विप्रवार पौष मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को सनातन विष्णु रूपी जगत पालक भगवान दिनेश प्रकट हुए थे। अतः सब प्रकार का सुख जाने वाले पुरुषों को उस दिन गंध आदि द्रव्यों नैवेद्यों तथा वस्त्र भूषणों आदि के द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। मध्य माघ मास में जो शुक्ल पक्ष की षष्ठी आती है उसे वारणी षष्ठी कहते हैं। उसमें रक्त चंदनी रक्त वस्त्र पुष्प धूप दीप और नैवेद्य द्वारा विष्णु स्वरूप सनातन वरुण देवता की पूजा करनी चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक पूजन करके मनुष्य जो जो चाहता है वही वही फल वरुण देव की कृपा से प्राप्त करके प्रसन्न होता है। नारद, फागुन मास के शुक्ल पक्ष को षष्ठी को विधि पूर्वक भगवान पशुपति की मृन्मयी मूर्ति बनाकर विविध उपचारों से उनकी पूजा करनी चाहिए। शत्रुद्धि के मंत्रों से पृथक पृथक पंचामृत तथा जल द्वारा नहलाकर श्वेत चंदन लगावे, फिर अक्षत सफेद फूल बिलपत्र धतूरे के फूल अनेक प्रकार के फल और भांति भांति के नैवेद्यों से भली भांति पूजा करके विधिवत आरती उतारे तदंतर क्षमा प्रार्थना करके प्रणाम पूर्वक उन्हें कैलाश के लिए विसर्जन करें। जो स्त्री अथवा पुरुष इस प्रकार भगवान शिव की पूजा करते हैं वे इस लोक में श्रेष्ठ भोगों का उपभोग करके अंत भगवान शिव के स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं। सनातन जी कहते हैं, सुनो अब मैं तुम्हें सप्तमी के व्रत बतलाता हूँ। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को गांव से बाहर किसी नदी या जलाशय में स्नान करें, फिर घर आकर एक विधि बनावें और उसे गोबर से लीप कर उसके ऊपर सफ़ेद बालू फैला दें। उस पर अष्टदल कमल लिखकर उसके कर्णिका में भगवान सूर्य की स्थापना करें। पूर्व के दल में यज्ञ साधक दो देवताओं का न्यास करें। अग्नि को उनके दल में दो यज्ञ साधक गंधर्वों का न्यास करें। दक्षिण दल में दो अप्सराओं का न्यास करें। नैऋत्य दल में दो राक्षसों को स्थापित करें। पश्चिम दल में यज्ञ में सहायता पहुँचाने वाले काद्रवे संज्ञक दो महानागों का न्यास करें। वायव्य दल में दो यातु धानों का, उत्तर दल में दो ऋषियों का और ईशान्य दल में एक ग्रह का न्यास करें। इन सब का गंध माला चंदन धूप दीप नैवेद्य और पान सुपारी आदि के द्वारा पूजन करना चाहिए। इस प्रकार पूजा करके सूर्य देव के लिए घी से 108 आहुति दें और अन्य लोगों के लिए नाम मंत्र से वेदी पर ही क्रमशः 8-8 आहुतियाँ दें। तदंतर पूर्ण आहुति दे और ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा अर्पित करें। इस प्रकार सब विधान करके मनुष्य पूर्ण सौख्य लाभ करता है और शीर का अंत होने पर सूर्य मंडल भेद कर परम पद को प्राप्त हो जाता है। वैशाख मास के शुक्ल सप्तमी को राजा जहुनू ने स्वयं क्रोधवश गंगा जी को पी लिया था और पुनः अपने दाहिने कान के छिद्र से उनका त्याग किया था। अतः वहाँ प्रातःकाल स्नान करके निर्मल जल में गंध पुष्प अक्षत आदि संपूर्ण उपचारों द्वारा गंगा जी का पूजन करना चाहिए। तदंतर 1000 घट दान करने चाहिए। गंगा व्रत में यही कर्तव्य है कि वह सब भक्ति पूर्वक किया जाए जो गंगा जी 7 पीढ़ियों को निस्संदेह स्वर्ग में पहुंचा देती है। इस तिथि को कमल व्रत भी बताया गया है। तिल से भरे हुए पात्र में स्वर्ण में सुंदर कमल रखकर उसे 2 वस्त्रों से ढककर गंध धूप आदि के द्वारा उनकी पूजा करें। उसके बाद नमस्ते पदम हस्ताय नमस्ते विश्वधारणे दिवाकर नमस्तुभ्यम प्रभाकर नमस्तुते अर्थात हाथ में कमल धारण करने वाले भगवान सूर्य को नमस्कार है, संपूर्ण विश्व को धारण करने वाले भगवान सविता को नमस्कार है, दिवाकर आपको नमस्कार है, प्रभाकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार दिवेश्वर सूर्य को नमस्कार करके सूर्यास्त के समय जल से भरे हुए घड़े के साथ
वह कमल और एक कपिला गाय ब्राह्मण को दे दी। उस दिन अखंड उपवास और दूसरे दिन भोजन करना चाहिए। ब्राह्मण को भक्ति भाव से भोजन कराने से व्रत सफल होता है। उसी दिन निम्ब सप्तमी का व्रत बताया गया है। द्विश्रेष्ठ नारद, उसमें ओम खखोल काय नमः इस मंत्र द्वारा नीम के पत्ते से भगवान भास्कर की पूजा का विधान है। पूजन के पश्चात नीम का पत्ता खाएं और मौन होकर भूमि पर शयन करें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। यह निम्ब पत्र व्रत है जो इसका पालन करने वाले पुरुषों को सब प्रकार का सुख देने वाला है। इसलिए शर्करा सप्तमी भी कही गई है। शर्करा सप्तमी अश्वमेघ यज्ञ का फल देने वाली, सब दुखों को शांत करने वाली और संतान परंपरा को बढ़ाने वाली है। इसमें शक्कर का दान करना, शक्कर खाना, खिलाना ये कर्तव्य है। ये है व्रत, भगवान सूर्य को विशेष प्रिय है। जो परम भक्ति भाव से इसका पालन करता है वह सद्गति को प्राप्त होता है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को साक्षात भगवान सूर्य स्वरूप इंद्र उत्पन्न हुए हैं। जो उपवास पूर्वक जितेंद्रिय भाव से विधि विधान के साथ उनकी पूजा करता है वह देवराज इंद्र के प्रसाद से स्वर्ग लोक में स्थान पाता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विवस्वान नामक सूर्य प्रकट हुए थे। अतः उस तिथि में गंध पुष्प आदि पृथक पृथक सामग्रियों द्वारा उनकी भली भांति पूजा करके मनुष्य भगवान सूर्य का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। सावन की शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अव्यंग नामक शुभ व्रत करना चाहिए। इसमें सूर्य देव की पूजा के अंत में उनकी प्रसन्नता के लिए कपास के सूत का बना हुआ 4.5 हाथ का वस्त्र दान करना चाहिए। ये व्रत विशेष कल्याणकारी है। यदि ये सप्तमी हस्त नक्षत्र से युक्त हो तो पाप नाशनी कही गई है। इसमें किया हुआ दान, जप और होम सब अक्षय होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की सप्तमी को आमुक्तावरण व्रत बतलाया गया है। उसमें उमा सहित भगवान महेश्वर की पूजा का विधान है। गंगा जल आदि षोडशोपचार से भगवान जी का पूजन, प्रार्थना और नमस्कार करके संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए उनका विसर्जन करना चाहिए। इसी को फल सप्तमी भी कहते हैं। नारियल, बैंगन, नारंगी, बिजोरा, नींबू, कुमड़ा, बन भंटा और सुपारी, इन 7 फलों को महादेव जी के आगे रखकर 7 तंतुओं और 7 गांठों से युक्त एक डोरा भी चढ़ावें। फिर पराभक्ति से उनका पूजन करके उस डोरे को स्त्री बाएं हाथ में बांध ले और पुरुष दाहिने हाथ में, जब तक पूरा वर्ष नहीं हो जाए तब तक उसे धारण किए रहें। 7 ब्राह्मणों को खीर भोजन कराकर उन्हें विदा करें। इसके बाद बुद्धिमान पुरुष व्रत की पूर्णता के लिए स्वयं भी भोजन करें। पहले बताए हुए 7 फल 7 ब्राह्मणों को देने चाहिए। इस प्रकार 7 वर्षों का तक व्रत का पालन करके विधिवत उपासना करने पर व्रतधारी मनुष्य महादेव जी का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में जो सप्तमी आती है उसे शुभ सप्तमी जानना चाहिए। उसमें स्नान और पूजा करके तथा श्रेष्ठ ब्राह्मणों की आज्ञा लेकर व्रत का आरंभ करके कपिला गाय का पूजन और प्रार्थना करनी चाहिए। त्वाम अहम दधि कल्याणी प्रीताम ब्रह्मा स्वयं पाल्यतम जगत कृत्स्नम यतो असि धर्म संभवा, अर्थात कल्याणी मैं तुम्हारा दान करता हूँ, इससे भगवान सूर्य प्रसन्न हो। तुम संपूर्ण जगत का पालन करो क्योंकि धर्म से उत्पन्न हुई हो। ऐसा कहकर वेदवेता ब्राह्मण को नमस्कार करके उसे गाय और दक्षिणा दे, फिर स्वयं पंचगव्य पान करके कहे, इस प्रकार व्रत करके दूसरे दिन उत्तम ब्राह्मण को भोजन करावे और उनसे शेष बचे हुए प्रसाद स्वरूप अन्न को स्वयं भोजन करे। जिसने श्रद्धापूर्वक इस शुभ सत्वी नामक व्रत को किया है वह देव देव महादेव जी के प्रसाद से भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में शाक सप्तमी नामक व्रत करना चाहिए। उस दिन स्वर्ण कमल सहित 7 प्रकार के शाक 7 ब्राह्मणों को दान दें और स्वयं शाक भोजन करके ही रहें। दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें भोजन दक्षिणा दें और स्वयं भी मौन होकर भाई बंधु के साथ भोजन करें। मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी को मित्र व्रत बताया गया है। भगवान विष्णु का जो दाहिना नेत्र है वही साकार होकर कश्यप के तेज और अदिति के गर्भ से मित्र नामधारी दिवाकर के रूप में प्रकट हुआ है।
इस तिथि में शास्त्रोक्त विधि से उन्हीं का पूजन करना चाहिए। पूजन करके मधुर आदि सामग्रियों से सात ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें स्वर्ण दक्षिणा देकर विदा करें। तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करें। विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करके मनुष्य निश्चय ही सूर्य के लोक में जाता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अभिव्रत होता है। उस दिन उपवास करके पृथ्वी पर खड़े होकर तीनों समय सूर्य देव की पूजा करें। तत्पश्चात दूध मिश्रित अन्न से बंधा हुआ एक शेर मोदक ब्राह्मण को दान करके सात ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें स्वर्ण की दक्षिणा दें। विदा करके स्वयं भी भोजन करें। ये सब को अभय देने वाला माना गया है। दूसरे ब्राह्मण उसी दिन मार्तंड व्रत का उपदेश करते हैं। दोनों एक ही देवता होने के कारण विद्वानों ने उन्हें एक ही व्रत कहा है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की सप्तमी को सांवरती नामक व्रत होता है। उस दिन उपवास करके स्वर्ण के बने हुए सूर्य बिंब की गंध पुष्प आदि से पूजा करें तथा रात्रि में जागरण करके दूसरे दिन सातों सात ब्राह्मणों को खीर भोजन करावें। उन ब्राह्मणों को दक्षिणा नारियल और अगरू अर्पण करके दूसरी दक्षिणा के साथ स्वर्ण में सूर्य बिंबाचार्य को समर्पित करें। फिर विशेष प्रार्थना पूर्वक उन्हें विदा करके स्वयं भोजन करें। यह व्रत संपूर्ण कामनाओं को देने वाला कहा गया है। इस व्रत के प्रभाव से श्रद्धा अद्वैत ज्ञान सिद्ध होता है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अचला व्रत बताया गया है। ये त्रिलोचन जयंती है। इसे सर्व पाप हारनी माना गया है। इसी को रथ सप्तमी भी कहते हैं। जो चक्रवर्ती पद प्रदान करने वाली है उस दिन सूर्य की स्वर्ण में प्रतिमा को स्वर्ण में घोड़े जुते हुए स्वर्ण के ही रथ पर बिठाकर जो स्वर्ण दक्षिणा के साथ भक्तिभाव भक्ति पूर्वक उसका दान करता है वह भगवान शंकर के लोक में जाकर आनंद भोगता है। यही भास्कर सप्तमी भी कहलाती है जो करोड़ों सूर्य ग्रहणों के समान है। इसमें अरुणोदय के समय स्नान किया जाता है। आंख और बेर के साथ साथ पत्ते सिर पर रखकर स्नान करना चाहिए। इससे सात जन्मों के पापों का नाश होता है। इसी सप्तमी को पुत्रदायक व्रत भी बताया गया है। स्वयं भगवान सूर्य ने कहा है जो माघ मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को विधि पूर्वक मेरा पूजन करेगा उस पर अधिक संतुष्ट होकर मैं अपने अंश से उसका पुत्र होऊंगा। इसलिए उस दिन इंद्रिय संयम पूर्वक दिन रात उपवास करें और दूसरे दिन होम करके ब्राह्मणों को दही भात दूध और खीर आदि भोजन करावें। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी को अर्कपुट नामक व्रत का आचरण करें। अर्क के पत्तों से अर्क सूर्य का पूजन करें और अर्क के पत्ते ही खाएं तथा अर्क नाम का सदा जप करें। इस प्रकार किया हुआ ये अर्कपुट व्रत धन और पुत्र देने वाला और सब पापों का नाश करने वाला है। कोई कोई विधि पूर्वक होम करने से इसे यज्ञ व्रत मानते हैं। श्रेष्ठ सब मासों की संपूर्ण सप्तमी या तिथियों में भगवान सूर्य की आराधना समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली बताई गई है। सनातन जी कहते हैं नारद चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भवानी का जन्म बताया जाता है। उस दिन 100 परिक्रमा करके उनकी यात्रा का महान उत्सव कर मनाना चाहिए। उस दिन जगदम्बा का दर्शन मनुष्यों के लिए श्रद्धा आनंद देने वाला है। उस दिन अशोक कलिका खाने का विधान है। जो लोग चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को पुनर्वसु नक्षत्र में अशोक की 8 कलिकाओं का पान करते हैं वे कभी शोक नहीं पाते। उस दिन रात में देवी की पूजा का विधान होने से वह तिथि महाअष्टमी भी कही गई है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को उपवास करके स्वयं जल से स्नान करें और अपराजिता देवी को जटामांसी तथा उशीर अर्थात खस मिश्रित जल से स्नान कराकर गंध आदि से उनकी पूजा करें। फिर शर्करा से तैयार किया हुआ नैवेद्य भोग लगावें। दूसरे दिन नवमी को पारना से पहले कुमारी कन्याओं को देवी का शर्करा में प्रसाद भोजन करावें। ऐसा करने वाला मनुष्य देवी के प्रसाद से ज्योतिर्मय विमान में बैठकर प्रकाशमान सूर्य की भांति दिव्य लोकों में विचरता है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को भगवान त्रिलोचन की पूजा करके मनुष्य संपूर्ण देवताओं से वंदित होकर एक कल्प तक शिवलोक में निवास करता है। जो मनुष्य ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को देवी की पूजा करता है वह गंधर्वों और अप्सराओं के साथ विमान पर विचरण करता है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को
हल्दी मिश्रित जल से स्नान करके वैसे ही जल से देवी को भी स्नान करावें और विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। तदंतर शुद्ध जल से स्नान कराकर कपूर और चंदन का लेप लगावें। तत्पश्चात शर्करा युक्त नैवेद्य अर्पण करके आचमन करावें। फिर ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें स्वर्ण और दक्षिणा दें। तदंतर उन्हें विदा करके स्वयं मौन होकर भोजन करें। इस व्रत का पालन करके मनुष्य देवी लोक में जाता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को विधिपूर्वक देवी का यजन करके दूध से उन्हें नहलावें और मिष्टान निवेदन करें। तत्पश्चात दूसरे दिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करके व्रत समाप्त करें। यह संतान बढ़ाने वाला व्रत है। सावन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को दशाफल नाम का व्रत होता है। उस दिन उपवास व्रत का संकल्प लेकर स्नान और नित्य कर्म करके काली तुलसी के 10 पत्तों से कृष्णाय नमः, विष्णे नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, गरुड़ध्वजाय नमः, दामोदराय नमः, ऋषिकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, हर्रे नमः, प्रभवे नमः। इन 10 नामों का उच्चारण करके प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण का पूजन करें। तदंतर परिक्रमा पूर्वक नमस्कार करें। इस प्रकार इस उत्तम व्रत को 10 दिन तक करते रहें। इनके आदि मध्य और अंत में श्री कृष्ण मंत्र द्वारा चरु से 108 बार विधि पूर्वक होम करें। होम के अंत में विद्वान पुरुष विधि के अनुसार भांति भांति आचार्य की पूजा करें। भली भांति आचार्य की पूजा करें। सोने तांबे मिट्टी अथवा बांस के पात्र में सोने का सुंदर तुलसी दल बनवा कर रखें। साथ ही भगवान श्री कृष्ण की स्वर्ण में प्रतिमा भी स्थापित करके उसकी विधि पूर्वक पूजा करें और वस्त्र तथा आभूषणों से विभूषित बछड़े सहित गौ का दान भी करें। 10 दिनों तक प्रतिदिन भगवान श्री कृष्ण को 10-10 पूरी अर्पण करें। उन पूरियों को व्रती पुरुष विधिज्ञ ब्राह्मण को दे डालें और स्वयं भोजन करें। 10वें दिन यथाशक्ति शैया दान करें। तत्पश्चात द्रव्य सहित स्वर्ण में मूर्ति आचार्य को समर्पित करें। व्रत के अंत में 10 ब्राह्मणों को प्रत्येक के लिए 10-10 पूरियां देवे। इस प्रकार 10 वर्षों तक उत्तम व्रत का पालन करके विधि पूर्वक उपवास का निर्वाह कर लेने पर मनुष्य संपूर्ण कामनाओं से संपन्न हो जाता है और अंत में भगवान श्री कृष्ण का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। यही कृष्ण जन्माष्टमी तिथि है जो मनुष्यों के सब पापों को हर लेने वाली कही गई है। श्री कृष्ण के जन्म के दिन केवल उपवास करने मात्र से मनुष्य 7 जन्म के पापों से मुक्त हो जाता है। विद्वान पुरुष उपवास करके नदी आदि के निर्मल जल में तिल मिश्रित जल से स्नान करें। फिर उत्तम स्थान में बने हुए मंडप के भीतर मंडल बनावे। मंडल के मध्य भाग में तांबे या मिट्टी का कलश स्थापित करें। उसके ऊपर तांबे का पात्र रखें। उस पात्र के ऊपर 2 वस्त्रों से ढके हुए श्री कृष्ण की सर में सुंदर प्रतिमा स्थापित करें। फिर वाद्य आदि उपचारों द्वारा स्नेह पूर्वक हृदय से उनकी पूजा करें। कलश के सब और पूर्व आदि क्रम से देवकी, वसुदेव, यशोदा, नंद, ब्रज, गोपगण, गोपी वृंद तथा गो समुदाय की पूजा करें। तत्पश्चात आरती करके अपराध क्षमा कराते हुए भक्तिपूर्वक प्रणाम करें। इसके बाद आधी रात तक वहीं रहे। आधी रात में पुनः श्री हरि को पंचामृत तथा शुद्ध जल से स्नान करावे और गंध पुष्प आदि से पुनः उनकी पूजा करें। धनिया, अजवैन, सौंठ, खांड और घी के मेल से नैवेद्य तैयार करके उसे चांदी के पात्र में रखकर भगवान जी को अर्पण करें। फिर 10 अवतारधारी श्री हरि का चिंतन करते हुए पुनः आरती करके चंद्र उदय होने पर चंद्रमा को अर्घ्य दे। उसके बाद देवेश्वर श्री कृष्ण से क्षमा प्रार्थना करके व्रती पुरुष पौराणिक स्तोत्र पाठ और गीत वाद्य आदि अनेक कार्यक्रमों द्वारा रात्रि का शेष भाग व्यतीत करे। अंतर प्रातःकाल श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मिष्टान भोजन करावे और उन्हें प्रसन्नतापूर्वक दक्षिणा देकर विदा करे। तत्पश्चात भगवान जी की स्वर्ण में प्रतिमा को स्वर्ण धेनु और भूमि सहित आचार्य को दान करे। फिर और भी दक्षिणा देकर उन्हें विदा करने के पश्चात स्वयं भी स्त्री पुत्र सहित और भृत्यवर्ग के साथ भोजन करें। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य श्रेष्ठ विमान पर बैठकर साक्षात गोलोक में जाता है। इस जन्माष्टमी के समान दूसरा कोई व्रत तीनों लोकों में नहीं है जिसके करने से करोड़ों एकादशियों का फल प्राप्त हो जाता है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को मनुष्य राधा व्रत करे। इसमें भी
पूर्वत कलश के ऊपर स्थापित श्री राधा जी की स्वर्ण में प्रतिमा का पूजन करना चाहिए। मध्यान्ह काल में श्री राधा जी का पूजन करके एक भुक्त व्रत करें। यदि शक्ति हो तो एक तो भक्त पुरुष पूरा उपवास करे, फिर दूसरे दिन भक्तिपूर्वक सुवासिनी स्त्रियों के भोजन कराकर आचार्य की प्रतिमा दान करे, तत्पश्चात स्वयं भी भोजन करे। इस प्रकार इस व्रत को समाप्त करना चाहिए। व्रती पुरुष विधिपूर्वक इस राधा अष्टी व्रत के करने से व्रज का रहस्य जान लेता है तथा राधा परिक्रमा में निवास करता है। इस तिथि को दुर्वा अष्टमी व्रत भी बताया गया है। पवित्र स्थान में उगी ही धूप पर शिवलिंग की स्थापना करके गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य दही अक्षत और फल आदि के द्वारा भक्तिपूर्वक उनकी पूजा करें। पूजा के अंत में एकाग्रचित होकर अर्घ्य दें। अर्घ्य के देने के पश्चात प्रकर्मा करके वही ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें दक्षिणा उत्तम फल तथा सुगंधित मिष्ठान देकर विदा करें, फिर स्वयं भी भोजन करके अपने घर जाएं। इस प्रकार यह दुर्वा अष्टमी मनुष्यों के लिए पुण्यदायिनी तथा उनका पाप हर लेने वाली है। ये चारों वर्णों और विशेषता स्त्रियों के लिए अवश्य कर्तव्य व्रत है। जब वह अष्टमी ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त हो तो उसे ज्येष्ठा अष्टमी के नाम से जानना चाहिए। वह पूजित होने पर सब पापों का नाश करने वाली है। इस तिथि से लेकर 16 दिनों तक महालक्ष्मी का व्रत बताया गया है। पहले इस प्रकार संकल्प करें, कृष्य अहम महालक्ष्मी व्रतम ते त्वत्प्रायण तद्विघ्नेन में यातु समाप्तिम त्वत्प्रसादत। अर्थात देवी, मैं आपकी सेवा में तत्पर होकर आपके इस महालक्ष्मी व्रत का पालन करूंगा। आपकी कृपा से यह व्रत बिना किसी विघ्न बाधा के परिपूर्ण हो। ऐसा कहकर दाहिने हाथ में 16 तंतु और 16 गांठों से युक्त डोरा बांध लें। तब से व्रती पुरुष प्रतिदिन गंध आदि उपचारों द्वारा महालक्ष्मी की पूजा करे। पूजा का ये क्रम अश्विनी कृष्णा अष्टमी तक चलता रहे। व्रत पूरा हो जाने पर विद्वान पुरुष उसका अध्यापन करे। वस्त्र घेर कर एक मंडप बना ले, उसके भीतर सरतो भद्र मंडल की रचना करे और उस मंडल में कलश की प्रतिष्ठा करके दीपक जला दे। फिर अपनी बाँह से डोरा उतार कर कलश के नीचे रख दे। इसके बाद सोने की 4 प्रतिमाएं बनवाए, वे सब की सब महालक्ष्मी स्वरूपा हों। फिर पंचामृत और जल से उन सबको स्नान करावे तथा षोडशोपचार से विधि पूर्वक पूजा करके वहाँ जागरण करे। तदनंतर आधी रात के समय चंद्रोदय होने पर श्रीखंड आदि द्रव्यों से विधिपूर्वक अर्ध्य अर्पण करें। ये अर्ध्य चंद्रमंडल में स्थित महालक्ष्मी के उद्देश्य से देना चाहिए। अर्ध्य देने के पश्चात महालक्ष्मी की प्रार्थना करें और फिर व्रत करने वाले स्त्री श्रोत्रिय ब्राह्मणों की पत्नियों का रूली महावर और काजल आदि सौभाग्य सूचक द्रव्यों द्वारा भरीभांति पूजन करके उन्हें भोजन करावे। तत्पश्चात बिल्व कमल और खीर से अग्नि में आहुति दे। उक्त वस्तुओं के अभाव में केवल घी की आहुति दे। ग्रहों के लिए समिधा और तिल का हवन करे। सब रोगों की शांति के उद्देश्य से भगवान मृत्युंजय के लिए भी आहुति देनी चाहिए। चंदन तालपत्र पुष्पमाला अक्षत दूर्वा लालसूत सुपारी नारियल तथा नाना प्रकार के भक्ष्य पदार्थ सबको नए सूपे में रखे। प्रत्येक वस्तु 16 की संख्या में हो। उन सब वस्तुओं को दूसरे सूप से ढक दे। तदंतर व्रती पुरुष मंत्र पढ़ते हुए उपयुक्त सब वस्तुएं महालक्ष्मी को समर्पित करे। शिरोद अर्ण संभूता लक्ष्मीश्चंद्र सहोद्रा व्रतनेन अनेन संतुष्टा भवता विष्णु वल्लभा। अर्थात क्षीर सागर से प्रकट हुई चंद्रमा की सहोदर भगनी श्री विष्णु वल्लभा महालक्ष्मी इस व्रत से संतुष्ट हो। पूर्वक 4 प्रतिमाएं क्षत्रिय ब्राह्मण को अर्पित करें। इसके बाद 4 ब्राह्मणों और 16 सुवासिनी स्त्रियों को मिष्टान भोजन कराकर दक्षिणा देकर उन्हें विदा करें। फिर नियम समाप्त करके इष्ट भाई बंधुओं के साथ भोजन करें। यह महालक्ष्मी का व्रत है। इसका विधि पूर्वक पालन करके मनुष्य इस लोक के इष्ट भोगों का उपभोग करने के बाद चिरकाल तक लक्ष्मी लोक में निवास करता है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में जो अष्टमी आती है उसे महाअष्टमी कहा गया है। उसमें सभी उपचारों से दुर्गा जी की पूजा का विधान है। जो महाअष्टमी को उपवास अथवा एक भुक्त व्रत करता है वह सब ओर से वैभव पाकर देवता की भांति चिरकाल तक आनंदमग्न रहता है।
कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में अष्टमी को कर्क अष्टमी नामक व्रत कहा गया है। उसमें यतन पूर्वक उमा सहित भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। जो सर्वगुण संपन्न पुत्र और नाना प्रकार के सुख की अभिलाषा रखते हैं, उन व्रती पुरुषों को चंद्र उदय होने पर सदा चंद्रमा के लिए अर्घ्य दान करना चाहिए। कार्तिकेय के शुक्ल पक्ष में गोपाष्टमी का व्रत बताया गया है। उसमें गौओं की पूजा करनी चाहिए। गोग्रास गौओं की परिक्रमा करना, गौओं के पीछे पीछे चलना, गौ दान करना आदि सब कर्तव्य हैं। जो समस्त संपत्तियों की इच्छा रखता हो उसे उपयुक्त कार्य अवश्य करने चाहिए। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अनग अष्टमी व्रत कहा गया है। उसमें अनेक पुत्रों से युक्त अनग और अनघा इन दोनों पति पत्नी की कुश में प्रतिमा बनाई जाती है। उस युगल जोड़ी को गोबर से लीपे हुए शुभ स्थान में स्थापित करके गंध पुष्प आदि विविध उपचारों से उनकी पूजा करें। फिर ब्राह्मण पति पत्नी को भोजन कराकर दक्षिणा देकर विदा करें। स्त्री हो या पुरुष विधि पूर्वक इस व्रत का अनुष्ठान करके उत्तम लक्षणों से युक्त पुत्र पाता है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की अष्टमी को काल भैरव के समीप उपवास पूर्वक जागरण करके मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। पौष मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को अष्टक संज्ञक श्राद्ध पितरों को एक वर्ष तक तृप्ति देने वाला और कुल संतति की बढ़ाने वाला है। उस दिन भक्तिपूर्वक शिव की पूजा करके केवल भक्ति का आचरण करते हुए मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली भद्रकाली देवी को भक्ति भाव से पूजा करें। जो अविच्छिन्न संतति और विजय चाहता हो वे माघ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को भीष्म जी का तर्पण करें। फागुन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रतपरायण पुरुष समस्त कामनाओं की सिद्धि के लिए भीमा देवी की आराधना करें। फागुन शुक्ल की अष्टमी को गंध आदि उपचारों से शिव और शिवा की भलीभांति पूजा करके मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों का अधीश्वर हो जाता है। सभी मासों के दोनों पक्षों में अष्टमी के दिन विधि पूर्वक शिव और पार्वती की पूजा करके मनुष्य मनवांछित फल प्राप्त कर लेता है। सनातन जी कहते हैं, विपेंद्र अब मैं तुमसे नवमी के व्रतों का वर्णन करता हूँ, लोक में जिनका पालन करके मनुष्य मनवांछित फल पाते हैं। चैत्र के शुक्ल पक्ष में नवमी को श्री राम नवमी व्रत होता है। उसमें भक्ति युक्त पुरुष यदि शक्ति हो तो विधि पूर्वक उपवास करे। जो अशक्त हो वह मध्यकालीन जन्म उत्सव के बाद एक समय भोज करके रहे। ब्राह्मणों को मिष्टान भोजन कराकर भगवान श्री राम को प्रसन्न करे। गौ भूमि तिल स्वर्ण वस्त्र और आभूषण आदि के दान से भी श्री राम प्रीति का संपादन करें। जो मनुष्य इस प्रकार भक्तिपूर्वक श्री रामनवमी व्रत का पालन करता है वह संपूर्ण पापों का नाश करके भगवान विष्णु के परम धाम को चला जाता है। वैशाख मास में दोनों पक्षों की नवमी को भी जो विधिपूर्वक चंडिका पूजन करता है वह विमान से विचरण करता हुआ देवताओं के साथ आनंद भोगता है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को श्रेष्ठ मनुष्य उपवास पूर्वक कुमार देवी का विधिवत पूजन करके कुमारी कन्याओं तथा ब्राह्मणों को भोजन करावे और उन्हें अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा देकर अघन्नी के चावल का भात दूध के साथ खाए। जो मनुष्य इस उमा व्रत का विधि पूर्वक पालन करता है वह इस लोक में श्रेष्ठ भोगों को भोगकर अंत में सरलोक में स्थान पाता है। जो आषाढ़ मास के दोनों पक्षों में नवमी को रात में ऐरावत पर विराजमान शुक्ल वर्णा इंद्राणी का भलीभांति पूजन करता है वह देवलोक में दिव्य विमान पर विचरता हुआ दिव्य भोगों का उपभोग करता है। जो श्रावण मास के दोनों पक्षों की नवमी को उपवास अथवा केवल रात में भोजन करता है और कुमारी चंडिका की आराधना करता है, गंध पुष्प धूप दीप भांति भांति के नैवेद्य अर्पण करके और कुमारी कन्याओं को भोजन कराकर जो उस पाप हारनी देवी की परिचर्या में तत्पर रहता है तथा इस प्रकार भक्तिपूर्वक उस व्रत कुमारी व्रत का पालन करता है वे विमान द्वारा सनातन देवी लोक में जाता है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की नवमी को नंदा नवमी कहते हैं। उस दिन जो नाना प्रकार के उपचारों द्वारा दुर्गा देवी की विधिवत पूजा करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में जो नवमी आती है
उसे अक्षय नवमी कहते हैं। उस दिन पीपल वृक्ष की जड़ के समीप देवताओं ऋषियों तथा पितरों का विधि पूर्वक तर्पण करें और सूर्य देवता को अर्घ दें। तत्पश्चात ब्राह्मणों को मिष्टान भोजन कराकर उन्हें दक्षिणा दें और स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार जो भक्तिपूर्वक अक्षय नवमी को जप दान ब्राह्मण पूजन और होम करता है उसका वह सब कुछ अक्षय होता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। मार्गशीर्ष शुक्ला नवमी को नंदनी नवमी कहते हैं, जो उस दिन उपवास करके गंध आदि से जगदम्बा का पूजन करता है वह निश्चय ही अश्वमेघ यज्ञ के फल का भागी होता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को एक समय भी जन के भोजन के व्रत का पालन करते हुए महामाया का पूजन करें, इससे वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। माघ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी लोक पूजित महानंदा के नाम से विख्यात है, जो मानवों के लिए सदा आनंददायिनी होती है। उस दिन किया हुआ स्नान दान जप होम और उपवास सब अक्षय होता है। द्विजतम फागुन मास के शुक्ल पक्ष की जो नवमी तिथि है वह परम पुण्यमी आनंदा नवमी कहलाती है, वह सब पापों का नाश करने वाली मानी गई है। जो उस दिन उपवास करके आनंदा का पूजन करता है वह मनवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। सनातन जी कहते हैं, नारद अब मैं तुम्हें दशमी के व्रत बतलाता हूँ जिनका भक्ति पूर्वक पालन करके मनुष्य धर्मराज का प्रिय होता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को सामयिक फल फूल और गंध आदि से धर्मराज का पूजन करना चाहिए। उस दिन पूरा उपवास या एक समय भोजन करके रहें। व्रत के अंत में 14 ब्राह्मणों को भोजन करावें और अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दें। जो इस प्रकार धर्मराज की पूजा करता है वह धर्म की आज्ञा से देवताओं की समता प्राप्त कर देता है और फिर उससे अलग नहीं होता। जो मानव वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं को गंध आदि उपचारों तथा श्वेत और सुगंधित पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करके उसकी 100 परिक्रमा करता है और यत्नपूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराता है वह भगवान विष्णु के लोक में स्थान पाता है। सरिताओं में श्रेष्ठ जाह्नपुत्री गंगा ज्येष्ठ शुक्ला दशमी को स्वर्ग से इस पृथ्वी पर उतरी थी, इसलिए ये तिथि पुण्यदायिनी मानी गई है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष हस्त नक्षत्र बुध दिन दशमी तिथि गर्करण आनंद योग व्यतिपात कन्या राशि के चंद्रमा और वृष राशि के सूर्य इन दसों का योग महान पुण्य में बताया गया है। इन 10 योगों से युक्त दशमी तिथि 10 पाप हर लेती है, इसलिए इसे दशहरा कहते हैं। जो इस दशहरा में गंगा जी की पास पहुंचकर प्रसन्न चित होकर विधि पूर्वक गंगा जी के जल में स्नान करता है वह भगवान विष्णु के धाम में जाता है। मनु आदि स्मृति कारण या श्राद्ध मास के शुक्ल पक्ष की दशमी की पुण्य तिथि कहा है, उसमें किए जाने वाले स्नान जप दान और होम स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराने वाले हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की दशमी संपूर्ण आशाओं की पूर्ति करने वाली है, इसमें गंध आदि उपचारों से भगवान शंकर की पूजा उत्तम मानी गई है। उस दिन किया हुआ उपवास या नक्त व्रत ब्राह्मण भोजन जप स्वर्ण दान तथा धेनु आदि का दान सब पापों का नाशक बताया गया है। भाद्रपद शुक्ला दशमी को 10 अवतार व्रत किया जाता है, उस दिन जलाशय में स्नान करके संध्या वंदन तथा देवता ऋषि और पितरों का तर्पण करने के पश्चात एकाग्रचित होकर 10 अवतार विग्रहों की पूजा करनी चाहिए। मत्स्य कूर्म वरा नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध तथा कलिक इन 10 की स्वर्ण में मूर्ति बनवाकर विधि पूर्वक पूजा करें और 10 ब्राह्मणों को सत्कार करके उन्हें इन मूर्तियों का दान कर दें। उस दिन उपवास या एक समय भोजन कर व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन करावें और उन्हें विदा करके एकाग्रचित होकर स्वयं इष्ट जनों के साथ भोजन करें। जो भक्तिपूर्वक इस व्रत का पालन करता है वह इस लोक में उत्तम भोग भोग कर अंतम में विमान द्वारा सनातन विष्णु लोक को जाता है। अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को विजयादशमी कहते हैं। उस दिन प्रातःकाल घर के आंगन में गोबर के 4 पिंड मंडलाकार बनाए रखें, उनके भीतर श्री राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न इन चारों की पूजा करें। गोबर के ही बने हुए 4 ढक्कनदार पात्रों में भीगा हुआ धान और चांदी रखकर उसे धुले हुए वस्त्र से ढक देना चाहिए। फिर माता पिता भाई पुत्र स्त्री भैत्य सहित गंध पुष्प नैवेद्य आदि से उस धान्य की
विधिवत पूजा करके नमस्कार करें, फिर पूजित ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार की विधि का पालन करके मनुष्य निश्चय ही एक वर्ष तक सुखी और धन धान्य से संपन्न होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की दशमी को सार्वभौम व्रत का पालन करें। इस दिन उपवास या एक समय भोजन का व्रत करके आधी रात के समय घर अथवा गांव से बाहर पुए आदि के द्वारा दसों दिशाओं में बलि दें। गोबर से लिपी हुई भूमि पर मंडल बनाकर उसमें अष्टल कमल अंकित करें और इसमें गणेश आदि देवताओं को पूजा करें। मार्ग मास के शुक्ला दशमी को आरोग्य व्रत का आचरण करें। 10 ब्राह्मणों का गंध आदि से पूजन करें और उन्हें दक्षिणा देकर विदा करें। स्वयं उस दिन एक समय भोजन करके रहें। इस प्रकार व्रत करके मनुष्य इस भूतल पर आरोग्य पाता है और धर्मराज के प्रसाद से देवलोक में देवता की भांति आनंद का अनुभव करता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं को विश्व देवों की पूजा करनी चाहिए। विश्व देव 10 हैं, जिनके नाम इस प्रकार हैं: क्रतु, दक्ष, वसु, सत्य, काल, काम, मुनि, गुरु, विप्र और राम। इन सब में भगवान विष्णु बड़ी भांति विराजमान हैं। विश्व देवों की कुशमयी प्रतिमाएं बनाकर उन्हें कुश के ही आसनों पर स्थापित करें। आसनों पर स्थित हो जाने पर उनमें से प्रत्येक का गंध, पुष्प, धूप, दीप और नैवेद्य आदि के द्वारा पूजन करें। प्रत्येक को दक्षिणा देकर प्रणाम करने के अनंतर उन सब का विसर्जन करें। उन पर चढ़ी हुई दक्षिणा को श्रेष्ठ द्विजो अथवा गुरु को समर्पित करें। इस प्रकार एक समय भोजन का व्रत करके जो व्रती पुरुष उक्त विधि का पालन करता है वह उभय लोक के उत्तम लोगों का अधिकारी होता है। माघ मास के शुक्ल दशमी को इंद्र संयम पूर्वक उपवास करके अंगरा नाम वाले 10 देवताओं को स्वर्ण में प्रतिमा बनाकर गंध आदि उपचारों से उनकी भली भांति पूजा करनी चाहिए। आत्मा, आयु, मन, दक्ष, मद, प्राण, बहिर्ष्मान, गविष्ट, दत्त और सत्य, ये 10 अंगरा हैं। इनकी पूजा करके 10 ब्राह्मणों की मिष्टान भोजन करावें और उक्त स्वर्ण में मूर्तियां उन्हीं को अर्पित कर दें। इससे स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। फागुन मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं को 14 यमों की पूजा करें। यम, धर्मराज, मृत्यु, अंतक, वैवस्वत, काल, सर्वभूतक्षय, औदुम्बर, दग्न, नील, परमेष्ठि, वृकोदर, चित्र और चित्रगुप्त, ये 14 यम हैं। गंध आदि उपचारों से इनकी भली भांति पूजा करके कुश सहित तिल मिश्रित जल की 3-3 अंजलियों से प्रत्येक का तर्पण करें। तदंतर तांबे के पात्र में लाल चंदन, तिल, अक्षत, जौ और जल रखकर उन सब के द्वारा सूर्य को अर्ध दें। अर्ध का मंत्र इस प्रकार है: एहि सूर्य सहस्त्रांशो तेजो राशो जगतपते गृहानाम अर्ध्यम मया दत्तम भक्त्या माम अनुकंप्य। अर्थात सहस्त्रों किरणों से शोभित तेजो राशि जगदीश्वर सूर्यदेव, आइए भक्तिपूर्वक मेरा दिया हुआ अर्थ स्वीकार कीजिए, साथ ही मुझे अपनी सहज कृपा से अपनाइए। इस मंत्र से अर्थ देकर 14 ब्राह्मणों को भोजन करावें तथा रजत में दक्षिणा दें, उन्हें विदा करने के करके स्वयं भी भोजन करें। इस प्रकार विधि का पालन करके मनुष्य धर्मराज की कृपा से इस लोक के धन, पुत्र आदि देव दुर्लभ भोगों को भोगता है और देह अवसान होने पर श्रेष्ठ विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के लोक का भागी होता है।